हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज अन्ना स्वागत करता हूं आपका नित्या क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइप और टंकी पार्ट टू। जैसे कि आपको पता है, पार्ट वन में आपको करा चुका हूं। पार्ट वन में हमने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि भैया क्वेश्चन आप हार्ड हार्ड करा रहे हो। भाई, ईजी क्वेश्चन तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा ईजी क्वेश्चन का? ईजी क्वेश्चन बुक उठाओ, कर लो। मैंने क्या कराना है? कुछ नहीं कराना। तो आपको मुझे जो कराना है वो आपको अच्छे क्वेश्चन ही कराने हैं। नोट, ये हल्के वल्के से क्वेश्चन, हल्के वल्के क्वेश्चन करा लूँगा तो आप कहीं से भी कर सकते हैं भाई। तो मुझे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाता हूँ, आपके लिए छांट के लाता हूँ। तो इन क्वेश्चनों को ज़्यादा ना देखें। तो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो पहले क्वेश्चनों को जाने, पाइप और टंकी के किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे मैं क्वेश्चन आपके छांट छांट के ला रहा हूँ। दोस्तों, हमने कल पार्ट वन कराया था, आज पार्ट टू करा रहे हैं। हम ये जो बैच पढ़ा रहे हैं, ये आपको बता दूं, NTPC और DP के लिए पढ़ा रहे हैं और इसमें UPSI। तो जहाँ तक हर बच्चा जानता है कि मैं ना तो NTPC के लिए पढ़ता था, ना DP के लिए, ना UPSI। मैं आपको एक मैथ सब्जेक्ट करा रहा हूँ जो हर एग्ज़ाम में ज़रूरी है। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ मैं। मेरा ये पर्पज़ नहीं NTPC UPSI। पेपर का ऐसा लेवल, जैसा लेवल भी आएगा, आप उसे क्लियर कर लोगे, ये मेरा वादा है, ये गारंटी है, ये मेरा दावा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक पर। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है दोस्तों, आपके सामने। आप कहते हो भैया आप हल्के हल्के क्वेश्चन लाया करो, पहले क्वेश्चन देखो किस लेवल के मैं बना रहा, सॉरी किस लेवल के बना रहा हूँ, किस लेवल के नहीं बना रहा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक करें, क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे तो भी लाइक कर दो, क्या जाना, डिसलाइक करना जरूरी है क्या? चलो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा देखे यार, ये आपको बात आगे समझ में आएगी कि हाँ यार वो बंदा पढ़ाता था, वो किस लेवल का पढ़ाया था। आपको 0 to high level ले जाना, मेरा मकसद है 0 to high level लेके जाना, HIGH। चलो क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, ये टाइमड वर्क में भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार का मेरा कोई क्वेश्चन आएगा, ये एक कैसा क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को, एक पाइप ए है और एक पाइप भी है, तो हमारे पाइप हैं जो इनको भर रहे हैं, भरने में एक पाइप, ये कह रहा है ए से दोनों पाइप जब भरते हैं इनसे, माना ये हमारा एक एक्स समय ले रहा है, तो ए जो ले रहा है वो कितना ले रहा है, एक्स प्लस 3 मिनट ले रहा है, और बी कितना ले रहा है, एक्स प्लस बी द्वारा एक्स प्लस 21 सही 1/3, यानी हम इसको लिख सकते हैं इसी को एक्स प्लस के 21 या 64/3 समय। आपको पता है जितना ए बी, अब ये कह रहा कि ए बी एक साथ भरने में कितना समय लेंगे, हमें अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों क्या आ रहा है। लेकिन आपको मैंने एक बात बताई थी, टाइम एंड वर्क में जब भी ए बी का समय निकलवाए, ए और बी का, ए प्लस बी का, तो अंडर रूट में जितना भी अधिक है उसको हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर कितना अधिक है, मेरा 3 अधिक है, यहाँ पर कितना अधिक है, 64/3 है, तो इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, 3 × 64/3, 3 से 3 शहीद हो गया, बचा √64 और √64 को क्या कहते हैं, 8, यानी 8 मिनट, अगर मिनट कहे तो मिनट, घंटा कहे घंटा, सेकंड कहे सेकंड, इतने मिनट में ये मेरे दोनों पाइप भर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं, आप भी क्वेश्चन कीजिए, करो भाई, करो जल्दी से जल्दी, क्या कहता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बहुत आने वाले हैं कि जो हमारा वो है, क्या है कि क्षमता, कि आप क्षमता बताइए भाई साहब, क्षमता वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चा थोड़ा इसमें डिसबैलेंस हो जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ कि क्या हमारा ए, हमारा पाइप किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है, कितने मिनट में, 12 मिनट में भरता है, ठीक है भाई साहब। बी इसे 15 मिनट में खाली करता है, ठीक है जी, बी 15 मिनट में खाली करता है, तो मैं इसको प्लस मान लेता हूँ और इसको माइनस मान लेता हूँ, समझ जाना, भरने वाले को प्लस, घटाने वाले को माइनस। तो यहाँ पर एलसीएम कितना है, 60, इसकी क्षमता आएगी +5, देखेंगे इसकी क्षमता आने वाली +5 और इसकी क्षमता आने वाली -4। अब कह रहा है कि एक भरने वाला पाइप लगा दिया जाए तो 12 लीटर, एक और भरने वाला पाइप लगा दिया जाए तो जो 12 लीटर प्रति मिनट की दर से डाल रहा है, इसका मतलब सी पाइप और लगा दिया, और अब टैंक कितने 20 मिनट में खाली हो रहा है, इसका मतलब जो हमारे टैंक हैं वो कितने हैं, वो 3 लगा दिए, एक तो ए भरने वाला, बी खाली करने वाला, और सी कितने में, भरने वाला, और ऐसा करने पर खाली हो रहा है, यानी कि 20 मिनट में खाली हो जाता है, ये भी माइनस का है मेरा। तो जब हम यहाँ से क्षमता लेंगे इसकी तो -3 आएगी इसकी, अब 20 से 60। अब देखो भाई, ए की क्षमता कितनी है, +5, बी की क्षमता कितनी है, -4,
आप सी की क्षमता निकालनी है, a माइनस बी प्लस सी बराबर माइनस की 3 है। अब इन दोनों में से एक बात आप बता दीजिए, हाँ ये 20 है। अब इन दोनों में से एक चीज का आपको पता लग रहा है, जो ए और बी दोनों की क्षमता प्लस 1 है, ए और बी दोनों की क्षमता प्लस 1 है और सी की मेरी कितनी है माइनस 3, तो प्लस 1 से कितना हमें घटाना पड़ेगा कि माइनस 3 आए, कहीं ना कहीं 4 की जो क्षमता है, 4 की जो क्षमता है वो प्लस में आने वाली है माइनस में आने वाली है, ये मुझे बताइए जल्दी से जल्दी बताइए भाई कितनी आएगी। भाई अगर मैं यहाँ से भी इस क्वेश्चन करूँ, ए की जगह मैंने कितना रखा 5, ठीक है, बी की जगह कितना रखा माइनस 4, सी का हमको निकालना है बराबर माइनस 3 आना चाहिए। अब ये वाली जो संख्या है ये कितनी बचेगी, माइनस का 1, इधर जाके कितना हो जाएगा, भाई मैं कहीं गलत कर रहा हूँ क्या, सॉरी मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन में कहा ए भी खाली कर रहा है, यानी 12 की क्षमता से माइनस में उसको प्लस में ले गया, बी भी इसको खाली कर रहा है 15 की क्षमता से, और हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरा माइनस 5, यहाँ पर मेरा माइनस के 4, ठीक है, एलसीएम क्योंकि 60 मैं पहले ले चुका था। अब इसने कहा एक पाइप है जो 12 लीटर प्रति मिनट, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे इसको लगाने पर टैंक खाली हो रहा 20 मिनट में, यानी एक भरने वाला पाइप है, कौन सा भरने वाला, सी जो आएगा भरने वाला पाइप है, तो यहाँ पर लाएंगे सी, ए माइनस का ए है और माइनस का बी है और प्लस का सी, ऐसा करने पर 20 मिनट में खाली हो रहा है, तो यहाँ से भी क्षमता कितनी आने वाली है माइनस 3 आने वाली है। तो क्यों ना मैं एक बात करूँ कि a माइनस ए की जगह मैंने माइनस 5 रखा और b की जगह माइनस 4 रखा, प्लस c हमारा आने वाला है, ऐसा करने पर माइनस 3 मिलते हैं, 5 और 4 कितने होते हैं 9, 9 इधर जाके हमारा प्लस का हो जाएगा, यानी 6 प्लस के माइनस के प्लस के 9, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई प्लस के 6, यानी c प्लस के 6 से भर रहा है, c प्लस के 6 से भर रहा है, वो एक मिनट में 6 भर रहा है, एक मिनट में 6, लेकिन 6 नहीं, उसने एक मिनट में 12 लीटर बोला है, क्वेश्चन में ध्यान दो, एक मिनट की ये हमारी जो एफिशिएंसी आती है पर मिनट पर आवर पर सेकंड की है, उसने कहा 6 मिनट, एक मिनट में 6 भर रहा है, उसने कहा 12 भर रहा है भाई, यानी एक बराबर कितना आ गया 2 लीटर के, हमें 1 लीटर की नहीं बताना, हमें बताना उसकी कैपेसिटी, तो मैंने कैपेसिटी कितनी मानी थी, मैंने तो भाई 60 मानी थी, तो यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर मुझे 60 बनाने के लिए इधर कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 60 बराबर 120 लीटर, यानी उसकी जो क्षमता है कितनी आ गई 120 लीटर आ गई। भाई साहब जरा क्वेश्चन करेंगे एक बार और ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट, एक पाइप बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी कीजिए, एक पाइप किसी टैंक को 12.5 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 8 से ही 1/3 मिनट में भर सकता है, तो मैंने एक पाइप माना ए, 12.5 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 25/2 भर सकता है, प्लस पाइप बी इसको 8 से ही 1/3 25/3 में खाली कर सकता है, यानी ये भी भर सकता है भाई साहब, ठीक है। अब कहा इसने एक खाली करने वाला पाइप जोड़ दिया जाता है जो एक मिनट में 162 लीटर पानी बाहर आता है, जिससे दो, अब ये खाली करने वाला पाइप है यानी इसको हम लिख सकते हैं 162 लीटर पर मिनट, पर मिनट की बात कर रहा है, तो अब टैंक 40 मिनट में खाली हो जाता है, जब तीसरा पाइप इसमें जोड़ दिया यानी ए प्लस बी माइनस खाली करने वाला सी बराबर 4 मिनट, बराबर कितने मिनट 4 मिनट। अब हम इनका अगर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमेशा ऊपर वाली संख्या का लेते हैं, यानी 25 और 4 का लेंगे, तो 100 आ गया भाई, 25 से ये 100 क्या बार कट गया 4 बार कट गया, लेकिन नीचे जो छोड़ा है उसकी गुणा जरूर करेंगे हम, नीचे मैंने कितना छोड़ा है, नीचे छोड़ा है भाई 2 इस वाले में, तो 2500 का 100 और 4 दुनी 8, वो भी इसके प्लस के, 2500 का 100 और 4 दिया 12 प्लस के 25, यहाँ पे ये माइनस वाली संख्या है क्योंकि खाली हो रहा है भाई साहब, 2500 का 100 तो 25 आएगा किसका माइनस का। अब एक बात आप बताइए मुझे, सी की क्षमता निकालनी है क्योंकि तीसरे पाइप के बारे में निकालने की बात कर रहा हूँ, तो सी की क्षमता, ए और बी की क्षमता कितनी है 20, 12 8 20 हुआ, लेकिन सी की क्षमता कितनी है 25 है। भाई इस 20 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कहीं ना कहीं मेरा ए प्लस बी माइनस सी बराबर माइनस के 25 है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, इन दोनों की क्षमता 20 और माइनस के सी बराबर माइनस के 25 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आने वाली है माइनस के 45, यानी 45 यूनिट यह एक मिनट में खाली कर रहा है माइनस के 45।
लेकिन वहां पर उसने 45 नहीं बोला, इसने बोला 45 यूनिट खाली कर रहा है और यहाँ पर 45 को 162 लीटर कहा है। अब उसने कहा भाई हमें 100 बनाना है, ये 100 यूनिट का मान निकालना है, तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 100 बराबर 162 गुना 100 बटे 45, ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भाई जल्दी से कर सकते हैं। इसे काटेंगे 9 से, 5 से काट लेंगे, 9 पंजे 45, यहाँ पर कितना आएगा 5 से 20 बार, और ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9 और कितने बचे 7, 9 अट्ठे 72 और गुणा 20 में चल रहा है, तो 360 लीटर की क्षमता आ गई इसकी, 360 लीटर टोटल हमारे टैंक की क्षमता आ गई। क्षमता, एक क्षमता एफिशिएंसी होती है, कैपेसिटी होती है, तो ये क्षमता कैपेसिटी की बात है, मतलब कितनी चीज हम इसमें रख सकते हैं कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टैंक में 8 पाइप जुड़े हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। इस क्वेश्चन को जरा आसानी से देखेंगे, कुछ पाइप खाली करने वाले कुछ भरने वाले हैं, भरने वाले पाइप 8 घंटे में भर सकते हैं, खाली करने वाले पाइप 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं देखो कितने इजी तरीके से करने वाले हैं हम, यानी भरने वाले पाइप अगर मेरे 8 घंटे में भर सकते हैं प्लस खाली करने वाला एक पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है, अगर मैं इसकी एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर मैंने देखा 24 एलसीएम आया, यानी भरने वाले की जो क्षमता है वो प्लस की 3 है, खाली करने वाले की क्षमता -4 है। जिसकी क्षमता कम है तो इसका मतलब वो क्या है, संख्या में ज़्यादा में होगी, यानी भरने वाले ज़्यादा होंगे, जब क्षमता कम है और टैंक भरा जा रहा है तो ज़्यादा होंगे भरने वाले, एक तो यहाँ से मैं ऑप्शन देख के लगा दूंगा। अब उसने कहा कि हमारे सारे पाइप खोल दे जाए तो 8 घंटे में टैंक भर जाते हैं। अब इसमें एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, कि अगर मैं सारे के सारे पाइप 8 घंटे तक भरने वाले खोल देता तो 8 + 24 तो मेरा 24 भरा जाता, हाँ जी नहीं जी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि 8 घंटे नहीं, मैं 8 घंटे अब खाली करने वाले लगा रहा हूँ, तो 8 + 32 तो 32 यूनिट खाली होता, हाँ जी नहीं जी। तो हमारा 32 - 24 यूनिट यहाँ पर भर रहा था, 32 यूनिट यहाँ पर खाली हो रहा। लेकिन अगर मैं एक बात देखूँ तो उसने 8 घंटे में, ध्यान देना, 8 घंटे भर रहा है और 8 घंटे में 24 भरने की बात कर रहा है, कितने बात 24, यानी 3 गुना, कितने गुना 3 गुना। अगर मैं यहाँ से कीजिए जरा एक मिनट, करने की कोशिश करो जल्दी, देखिएगा। तो ये क्या कह रहा है, इसमें 3 गुना, यानी इसका 3 गुना है, 8 + 24, तो अगर मैं बीच में इसमें 3 रख लूं, कितना रख लूं 3, तो इन दोनों का अंतर जो आने वाला है वो आता है 35। एलिगेशन में आप जानते हैं अंतर का मतलब घटाना, इन दोनों का अंतर हमारा 21, ये 35 क्यों आया, जब एक से हमारे चिन्ह हो माइनस, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा प्लस नहीं होगा, तो रेशियो बना लेंगे हम इसका 7 + 21, 7 × 5 = 35, यानी 5 और 3 के अनुपात में हमारे भरने और खाली करने वाले टोटल पाइप इसमें कितने हैं भाई, इसने कहा 8, और 5 और 3 मिलाकर भी कितने हो रहे हैं 8, इसका मतलब साफ साफ हमको पता लगा 8 में से 5 तो भरने वाले हैं और 3 हमारे क्या हैं, खाली करने वाले हैं। ठीक है भैया, खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पाइप, ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, और कुछ लोग कहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को मतलब हम लेवल थोड़ा बढ़ा के कर रहे हैं, बढ़ा के लेवल नहीं है, एक कम करके ही लेवल है, आप लोग सोचते हैं इसको कि बढ़ा के है लेकिन ये कम करके है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पाइप और टंकी का, वे क्वेश्चन नहीं आते कि आप सोच रहे हो कि वो हल्के वाले क्वेश्चन आ जाएंगे और हम उनको कर लेंगे, भाई उनसे बहुत लेवल डाउन है, लेकिन हमें लेवल अपना देखना पड़ेगा, अब लेवल हमें करना पड़ेगा। अब इसने कहा 3 पाइप है जिनकी त्रिज्या 1, 2, 3 के क्रम से है, 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, तीनों पाइप को बहने वाले पानी की, बहने वाले पानी की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो पानी उसमें बह रहा है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी जो पानी है वो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, यदि सबसे पतले पाइप टैंक को 42 मिनट में भर रहा है तो तीनों पाइप मिलकर कितने मिनट में भरेंगे। भाई देखो, अगर मेरा एक पाइप है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक पाइप है, एक पाइप है 2 सेंटीमीटर, एक पाइप है 3 सेंटीमीटर वाला, तो हमारा इससे जो पानी भरा जाएगा वो 1 भरा जाएगा, इससे जो भरा जाएगा 4 भरा जाएगा, इससे जो भरा जाएगा 9 भरा जाएगा, तो इन ध्यान देना 9 भरा जाएगा, ये कह रहा है, यानी हमारी क्षमताएं हैं भरने की क्षमता, एक की ध्यान देना, एक की 1 है, एक की 4 है, एक की 9 है, 1, 4, 9। अब इसने कहा सबसे पतले पाइप
वाला पाइप टैंक को 42 मिनट में भर रहा है, यानी सबसे पतला वाला पाइप ही है। जब ये इसको 42 मिनट में भर रहा है तो 42 एकम 42 यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, टोटल कैपेसिटी टोटल क्षमता कितनी होगी 42 होगी। हाँ जी, अब इसने कहा तीनों मिलकर, यानी 42 यूनिट को तीनों मिलकर 9 और 1 10 और 4 14, तो 14 की क्षमता से कैपेसिटी से 42 कैपेसिटी को 14 की एफिशिएंसी से कितने मिनट में बढ़ देंगे, 3 मिनट में, यानी 3 मिनट मेरा इसका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार आपको फिर समझा देता हूँ भाई। उसने कहा कि जो हमारी पानी की त्रिज्या है, ध्यान देना, पानी की त्रिज्या है एक, एक की है दो, एक की है तीन, तो जो पानी बहा जाएगा वो उसके स्क्वायर के बराबर बहाया जाएगा, यानी इनकी जो क्षमता होगी पानी बहाने की वो इनके स्क्वायर के बराबर होगी। इफिशियंसी यानी क्षमता बोले तो इफिशियंसी, ये क्या दिया हुआ, इफिशियंसी। अब हम आपको पता है इफिशियंसी हम बीच में रखते हैं, इफिशियंसी रखा एक की एक, एक की चार और एक की कितनी है नौ। अब इसने कहा सबसे पतला वाला पाइप यानी ये वाला पाइप, इसको टाइम, यहाँ हम टाइम लगाते हैं, 42 मिनट में भर रहा है भाई, 42 से कम 42, 42 से कम 42, तो हमारी कैपेसिटी जो आई क्षमता, कैपेसिटी कितनी आई क्षमता जो है वो 42 आई। अब तीनों मिलकर इसको कितनी देर में भरेंगे, देर बोले तो टाइम, टाइम बराबर क्या होता है क्षमता, क्षमता बटे इफिशियंसी। अब हमारी क्षमता कितनी दी है 42, और तीनों की बात कर रहा है, तीनों की इफिशियंसी कितनी 14 दिया 42, तो 3 मिनट 3 घंटा 3 सेकंड जो भी मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर बेस है, लेकिन आखिर एक चीज आपको दे दी, इस बार हमारा तीनों पानी पाइप से बहने वाले पानी की चाल, पानी की चाल दे चुका है, इतने लीटर उसमें बहेगा, तो आपको इस बार बतानी है। लेकिन जरा गौर फरमाना इस पे कि उसने कहा कि एक पानी की त्रिज्या, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके पानी की चाल हमेशा त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती ही होती है, हमेशा पानी की चाल जो होती है त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती ही, चाल नहीं बह, जो पानी बहाता है वो इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आर स्क्वायर। तो पहले मैंने देखा 1, 3/2 और 2, हमेशा कभी भी ध्यान देना जो रेशियो है ये बटे में नहीं होता, इसको गुणा कर लेंगे तीनों में 2 से गुणा कर लेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या बना 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, हमारी ये संख्या बन गई। अगर हम इसमें बहने वाली कंडीशन देखो, उसने कह दिया कि पहले तीनों पाइप से बहने वाले, पिछले क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, पानी की त्रिज्या के वर्ग के अनुपातिक होता है, और ये हर क्वेश्चन में लागू करते हैं। इससे जो पानी बहा जाएगा वो कितना बहाया जाएगा 4, इससे बहा कितना जाएगा 9, और इससे कितना बहाया जाएगा 4 चौक 16 है। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और कही है कि इनमें पानी की चाल यानी चाल जो देगा इस प्रकार के क्वेश्चन में उसे एच मानते हैं, यानी इसमें कितनी है 3 है, इसमें कितनी है 2 है, और इसमें कितनी है 1 है, 3 2 1। अब मैं इसको गुणा कर लेता हूँ नीचे, पहले कोई कॉमन चीज है रेशियो बनाने के लिए उसको काट लेते हैं, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, यानी रेशियो बनाने के लिए। वैसे भी हम बताएंगे अभी दोबारा, 3 दुनी 6, 9 एकम 9, 8 एकम 8, तो हमारा ये अभी ध्यान देना अनुपात आया है, किसका अनुपात आया है इनकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। अगर मैं इनको काटता नहीं तो यहाँ से देखेंगे, मैं बता देता हूँ अभी, ये आ जाएगा 4 3 9 2 16 1, तो मैं गुणा करता हूँ 4 3 12 9 2 18 16 1 16, फिर भी इनको अनुपात बनाएंगे 6 9 और 8, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसको पहले से ऐसे ही कर लें भाई। अब जरा देखेंगे थोड़ा सा इसको, इसको मिटा देते हैं, देखिए दोस्तों अब हमारे ये जो आया है ये क्या आया है, ये आगे इफिशियंसी, आपको पता है इफिशियंसी हम बीच में ऐसे लगा देते हैं इफिशियंसी, तो एक की इफिशियंसी 6 है, एक की 9 है, एक की कितनी 8 है। अब इसने कहा एक बड़ा वाला पाइप टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। अब बड़ा वाला पाइप कौन सा है भाई, बड़ा वाला पाइप जिसकी त्रिज्या बड़ी है भाई, बड़ा पाइप तो बड़ा ही होता है, यानी त्रिज्या बड़ी है जो लास्ट में दिया हुआ है, ये हमको कितने मिनट में भरता है 40 मिनट में, तो यहाँ से जो हमारी इफिशियंसी आएगी, अब हमारी जो कैपेसिटी आएगी वो इन तीनों की गुणा करके आएगी भाई, पहले इन दोनों की गुणा करेंगे
एफिशिएंसी जल्दी से जल्दी निकालने के बाद कैपेसिटी निकालेंगे, कितना कैपेसिटी आएगी, 8 की 40 में गुणा करेंगे, 8 × 48/4, 8 × 32 और 4 × 36, यानी 368 मेरी टोटल कैपेसिटी आएगी, जिसको कहते हैं क्षमता। अब उसने कहा कितनी देर में तीनों भरेंगे, तीनों मिलकर एक ए बी और सी, तीनों मिलकर यानी हमारी क्षमता 386 को तीनों की मिलकर 9 और 8 17 और 6 कितने होते 23, 23 से कितनी देर में भर लेंगे। तो जहाँ तक मेरा विचार है कि हम गुणा भाग करेंगे, 23 एकम 23 बच्चे कितने आ गए 13 और 23 सिक्का यानी 23 अट्ठाईस 23 सिक्का, तो 16 मिनट मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका। आप एक बार इसको आराम से देख सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जरा गौर से देखेंगे हम क्या क्वेश्चन बन रहा है। एक पाइप किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, बहुत सिंपल तरीका, वर्क एंड टाइम की तरह है, ये भी टाइम एंड वर्क की तरह है, लेकिन कुछ इसमें बिगाड़ने वाले भी आते हैं। 16 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप इस टैंक को 20 मिनट में भर सकता है, बी इस पाइप को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, भाई दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये भी वाला भी और ए वाला भी और बी वाला भी, ए वाला भी और बी वाला दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। पहले इनकी कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी आएगी 60, ये भी हमारा भर रहा है और ये भी भर रहा है, प्लस के 5 प्लस के 3, ठीक है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। लेकिन रुकावट के कारण, अब ध्यान देना, रुकावट के कारण पाइप में 75% पानी बह रहा है, यानी इसमें कुछ रुकावट आ गई थी और पानी जो बह रहा है वो 75% ही बह रहा है। अब इस पानी को क्या करेंगे, थोड़ा इस पानी को हम देखो, इसने कह दिया रुकावट के कारण 75% ही बह रहा है। अब टैंक को भरे जाने से पहले रुकावट को साफ कर दिया, तो टैंक को 9 मिनट में भर गया, तो पाइप कितने समय बाद साफ किया। इस प्रकार का क्वेश्चन जो हम टाइम ले लेते हैं बहुत ज्यादा करने में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कभी कभी बाई ऑप्शन उठा लेते हैं। कितना उठा लेते हैं, बाई ऑप्शन, यानी इसने कहा 9 मिनट टोटल समय लग रहा, 9 मिनट कितना समय टोटल, ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ है 6, तो यानी 6 मिनट तक मैंने देखा कचरा अटका हुआ था और 3 मिनट तक बिना कचरे के ये हमारे गए थे। जब बिना कचरे के गए थे तो दोनों हमारी क्षमता कितनी है 5 और 3 8, तो 3 मिनट तक तो इन्होंने 8 से काम करा होगा, 8 से 24, हाँ जी, तो 24 60 में से कर लिया, तो 6 मिनट में जो काम क्या होगा वो कितना क्या होगा, मेरे हिसाब से ध्यान देना 75% पानी बह रहा है, मेरे हिसाब से 6 मिनट में इन्होंने जो काम किया वो कितना किया है, 24 गए इसमें से कितना बचा 36, यानी 36/6 अगर मैं कर दूं तो कितना आएगा 6, कितना आने वाला 6। अब एक बात बताइए, ये जो 6 है ये इफिशियंसी निकल का आया है, अगर ये मेरी इफिशियंसी एक्यूरेट बैठ जाए तो मेरा आंसर सही है, यानी इन दोनों की जो क्षमता है 8 है, लेकिन 8 नहीं, 8 का 75% कर रहा था वो, 8 का 75% 3/4, 4 × 8 और 3 × 6, यानी यहाँ से भी इफिशियंसी 6 आ रही है और यहाँ से भी मेरी इफिशियंसी 6 आ रही है, तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्शन 6 क्या है, मेरा ऑप्शन ठीक 6 है। तो अब मैं इसको बार और बताता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिएगा, ए इसको 12 मिनट में भर सकता है, बी इसको 20 मिनट में भर सकता है और दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ से प्लस के 5 और यहाँ से प्लस के 3। इसने कहा 9 मिनट हमको इसको भरना है, तो मैंने एक ऑप्शन उठा लिया 6, यानी 6 मिनट तक तो इसमें कचरा अटका रहा, जो कचरा रहेगा वो 75% की इफिशियंसी से भरेगा और 3 मिनट तक ये फुल एफिशियंसी से चले, इनकी फुल इफिशियंसी कितनी है भाई 8, तो 8 × 24 ध्यान देना 8 × 24, अब 75% इफिशियंसी लेंगे किसकी 8 की, 8 फुल थी इसका 75% कितना आ गया 75% 3/4, 4 से 2 बार कट गया, 3 × 6, यानी 6 की क्षमता से 6 मिनट तक वो भरा, तो कितना भर गया 36, तो 36 तो यहाँ भरा मेरा और 24 यहाँ भरा, टोटल मिला के कितना हो गया, टोटल मिला के 60 हो गया, ऊपर भी कितना है 60 है, तो कहीं ना कहीं ये वाला मेरा ऑप्शन सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, ऑप्शन भी उड़ा सकते हैं हम इसको। आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन में हमें डाटा कम दिया हुआ है, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा, यहाँ से ये 75% क्या दे दिया, एक से मैं और देता 9 मिनट दे दिया, तो आप भाई ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पाइप एक टैंक को भरने में जुड़े हैं, क्रम से 24 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो पाइप नंबर ए 24 मिनट में, पाइप नंबर बी 30 मिनट में, सबसे पहले एलसीएम लेना शुरू करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, जल्दी से जल्दी एलसीएम लेने की कोशिश करें, तो एलसीएम आएगा इसका 120, जहां तक मेरा विचार है, ये भी भर रहा है 5 यूनिट से, ये भी भर रहा है 4 यूनिट से, प्लस एक व्यक्ति ने दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, ठीक है जी खोल दिया, अब उसने गलती से निकास पाइप भी खोल दिया, यानी एक पाइप और लगा था जो हमारा उसे खाली कर रहा था, सी पाइप जो खाली कर रहा था,
पांच मिनट बाद उसे पता चला निकास पाइप भी खुला, ठीक है 5 मिनट बाद पता चला जी कोई बात नहीं, तो और उसने बंद कर दिया और कुल 15 मिनट में टैंक भर गया, कुल 15 मिनट का। इसका मतलब 5 मिनट तो उसने हमारे तीनों पाइप खोल रखे हैं ए बी और सी, लेकिन 5 और 15 मिनट में टोटल भरा 10 मिनट में हमारे दो पाइप खुले बस ए प्लस बी, हाँ जी नहीं, तो 20% टैंक को खाली करने में निकास पाइप कितना समय निकाल लगेगा। तो सबसे पहले 20% वाली बात को जब करेंगे जब मेरा निकास वाले पाइप सी वाले पाइप की क्षमता मालूम हो जाएगी, तो यहाँ से मैंने देखो 10 मिनट तक ए प्लस बी की क्षमता कितनी है 9, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है भाई 9, यानी 10 मिनट तक 9 की क्षमता से टैंक को भरा 90 यूनिट भर लिया, टोटल कितना है 120 यूनिट, तो शेष कितना बचा भाई शेष बचा 30 यूनिट। अब 30 यूनिट जो मिलके भरा है वो तीनों ने मिलके भरा, ठीक है जी, 30 यूनिट को तीनों मिलके 5 मिनट में भरते हैं, यानी ये हो गया मेरा काम और ये हो गया मेरा क्या समय। काम और समय जब मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ से इफिशियंसी निकल के आती है, वो कितनी आ गई 6 इफिशियंसी आ गई, कितनी आ गई 6। जब मेरी 5 A की है, B की 4 है, 5 4 9 बच कितने रही यहाँ पे 6, तो कहीं ना कहीं सी की जो क्षमता खाली करने की है वो -3 से है या नहीं है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है आपको। अब -3 से मेरी सी की क्षमता निकल के आ गई, उसने कहा टैंक का 20%, यानी अब जो भरा जाएगा टैंक का 20% भरना है, 120 का 1/5 20% होता है, यानी 24 यूनिट भरना है और 3 की क्षमता से भरना है, तो 3 8 24 हमें 8 मिनट तक भरेगा, 8 मिनट में खाली करेगा सॉरी, तो यह आंसर आ जाएगा मेरा 8 मिनट। नेक्स्ट, एक पाइप टैंक को 12 मिनट में भरता है, बी से 20 मिनट में भर देता है, सी से 30 मिनट में भर सकता है, तीनों भरने वाले हैं भाई, भरेंगे ए 12 में बी 20 में सी 30 में, खाली नहीं भर रहे हैं, एलसीएम जो होगा तीनों की क्षमता, यानी क्षमता कहलाया जाएगा कैपेसिटी, एलसीएम होगा 60 बोले तो यहाँ पर प्लस के 5, तीनों प्लस के लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पर कितना आएगा 3 और यहाँ पर आने वाला है 2। अब इसने कहा यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और ए 2 मिनट बाद बंद किया जाए, मैं ए और बी और सी को खोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 2 10 और 2 मिनट के लिए खोला, तो कितना यूनिट भर लिया 20 यूनिट भर लिया, टोटल है 60। अब आगे क्या बोला देखेंगे, और बंद कर दिया और पाइप बी को, ध्यान देना पाइप बी को टैंक भरने के 3 मिनट पहले बंद कर दिया, तो खाली टैंक कितनी देर में भर जाएगा। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये मेरा टोटल है 60, यहाँ से यहाँ तक तीनों पाइप ए प्लस बी प्लस सी अभी आपके सामने कर दिया, कितने मिनट में कितना यूनिट भर लिया 20 यूनिट। अब इसने कहा लास्ट के यहाँ से यहाँ तक बी प्लस सी करे और लास्ट के 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए अकेला सी बचा, तो सी की क्षमता कितनी है भाई 2 है, तो 3 मिनट में 2 × 3 के हिसाब से कितना भर लेगा 6 20, ये है 6 ये है, कितना होगा 26, टोटल कितना है 60, तो हमारे यहाँ कितना बचने वाला है 34 बचेगा। अब 34 को ये दोनों मिलकर भरेंगे बी और सी, 34 बटे B और C की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ पे आंसर आएगा 5 × 30 और 5 × 8 = 40, 6.8 मिनट। लेकिन उसने बोला है कि खाली टैंक को देखिए, अब टैंक को भर जाएगा कितनी देर में भर जाएगा कुल टाइम, तो हम पहले तो इसको जोड़ेंगे 6.8, एक टाइम लगा मेरा लास्ट वाला, इससे पहले 3 मिनट तक हमारा सी अकेला भर रहा था, इससे पहले 2 मिनट तक हमारा तीनों लोग भर रहे थे, 3 मिनट है और 2 मिनट तक, अब इसको जोड़ लो 3 और 2 5 और 6 11, यानी इसको जोड़ कर 11.8 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है ए पाइप किसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, बिल्कुल भर लेगा जी, इसमें क्या अलग बात है, देखो ए पाइप इसको 24 मिनट में भर रहा है, भर दिया, बी पाइप इसको 20 मिनट में भर रहा है, 20 घंटे 24 घंटे और 20 घंटे, ठीक है 20 घंटे, और सी पाइप 15 घंटे में खाली कर रहा है, सी इसको माइनस करने वाला है 15 घंटे में, एलसीएम फिर से 120 आएगा, एलसीएम 120 यहाँ पर प्लस के 5 प्लस के 6 माइनस के 8 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसने कहा पाइप ए 10 बजे चलाया, भाई यहाँ देखो पाइप ए
बी और सी की बात है। यहाँ 10 बजे चलाया पाइप बी, 12 बजे चलाया पाइप सी, 2 बजे चलाया। अब यहाँ से देखा ए ने काम करा, ठीक है, कितने की क्षमता से, 5 की क्षमता से, और क्या घंटे करेगा, 2 घंटे करेगा, तो कितना भर लेगा यहाँ तक, 5 × 10 यूनिट भर लेगा, ठीक है। यहाँ पर बी भी आ गया, 5 और 6 11, यानी 11 की क्षमता से कितने घंटे, 11 × 2 घंटे, 11 × 22 भर लिया। अब एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, जब टैंक हमारा कहीं तक भर जाए और इसके बाद क्षमता आ जाए माइनस वाली, तो टैंक भरा नहीं जाएगा, टैंक खाली होगा, भरा नहीं जाएगा, क्या होगा, खाली। सबसे पहले जब तीनों लोग यहाँ से खुले तो इन तीनों की क्षमता देख लेते हैं कितनी है। यहाँ देखो 6 और 5 11 में से 8 गए, 6 + 5 − 3, तो अभी प्लस करने वाली क्षमता आ रही है प्लस वाली, तो टैंक भरा जाएगा। हमारा टोटल टैंक कितना है, 120, तो हमारा 120 में से ये कितना होगा, 22 और 10 = 32, यानी 32 यूनिट भर चुका है। तो अब हमारा कितना बचेगा, 88 यूनिट बचेगा। अब इसने कहा यह कितने बजे भर जाएगा, भाई 88 यूनिट और क्षमता कितनी है, 3, तो 88 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 × 1 = 3 × 2 = 6, बचे कितने हमारे 2 और 3 × 27, और बचे कितने भाई 1 × 3 कर लेंगे 29 घंटा, 1/3 को मिनट बना लेंगे, भाई ये वाले आपको दिख नहीं रहा, यहाँ लिख देता हूँ इसको, 29 घंटा 1/3 को मिनट बना लेंगे गुणा 60 करके, यानी 20 + 60, 29 घंटा 20 मिनट, 29 घंटा 20 मिनट कब से, 2 बजे के बाद, ये 2 बजे के बाद 29 घंटा 20 मिनट हम जोड़ेंगे, तो इसका आंसर 7:20 आ जाएगा, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप एक होज को भरने में पाइप ए पाइप बी द्वारा मिलकर लगाए गए समय से 3 मिनट अधिक लेता है। एक पाइप यानी ए पाइप जो है वो x + 3 ले रहा है, क्योंकि a + b इसको भरने में x समय ले रहा है। दूसरा पाइप इन दोनों से हमारा x + 21 सही 1/3 यानी 21 + 63 = 64/3 समय ले रहा है। अब दोनों पाइपों को पूछ रहा है कितने समय में भर देंगे, यार ये तो मैंने अभी आपको पहला क्वेश्चन यही कराया था, 64/3 64 है गुणा 3, 3 से 3 कट गया, यानी 8 मिनट आंसर आ गया, शायद पहला क्वेश्चन यही था। नेक्स्ट, नल ए बी किसी टैंक को अलग अलग 10 घंटे और 20 घंटे में भर रहे हैं। भाई ए 10 घंटे में भर रहा है 10, बी इसको 20 घंटे में भर रहा है 20 LCM 20, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, जबकि नल सी को 12 घंटे में खाली कर रहा है, 12 घंटे में खाली, भाई LCM हमने जल्दी ले लिया तो हम जल्दी नहीं लेंगे। ए 10 घंटे में प्लस, बी 20 घंटे में प्लस, सी 12 घंटे में माइनस, LCM अब आएगा 60। अब हमने देखा यहाँ पर +6 + 3 - 5, ये तो आप जानते हैं। अब इसने कहा बारी बारी से चलने, यानी पहले तो ए आया, ठीक है जी, फिर बी आया, फिर सी आया, रिपीटिशन ऐसे ही होता रहेगा। अब इसने कहा कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मैंने आपको बताया था जब बारी बारी वाला खेल आए तो जो मेरी टोटल कैपेसिटी है उसमें से भरने वाली कैपेसिटी को माइनस कर लेंगे 9 को, यानी सबसे पहले मैं 51 पे इसको देखूंगा 51 तक, यानी एक घंटा 3 घंटे में ये कितना यूनिट भर रहा है, ये मेरा भरेगा कितना 6, ये कितना भरेगा 3, और ये -5 कर देगा, यानी कितना हुआ 6 × 3 = 9, 4 यूनिट। 3 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, हम अब देखेंगे 51 यूनिट, यानी 51 के किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता, 4 के पहाड़े में 51 आता है, नहीं आता, तो मैं इसको क्या करूंगा, 4 को ऐसे टेबल से गुणा करेंगे 4 से, ये मेरा 51 के आसपास आए, यानी अगर मैं करूँ 13 × 52 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं करूँगा 12 × 48, इसमें भी मैंने 12 से गुणा करी, इसमें भी मैंने 12 से गुणा करी, यानी घंटे मेरे कितने लगे 36, और यहाँ पर कितना समय लगा मेरा अभी 36, और यहाँ पर लगा 12 × 48, 48 यूनिट भर चुका है। अगर मैं एक और गुणा कर लूँ इससे, चलो कर लेते हैं, अगला 1 घंटा ये है टाइम, ये वाला जो है अगले 1 घंटे में वो कितना यूनिट भरेगा 6, बिल्कुल, फिर अगले 1 घंटे में वो कितना यूनिट भरेगा 3, बिल्कुल, अगले 1 घंटे में कितना करेगा 5 माइनस कर देगा, यहाँ से भी 6 और 6 6 और 3 9, ये हो गया 57 में 5 गया 52, यानी 52 यूनिट भर चुका है कितने में, 39 आवर्स में।
अब हमें भरना है टोटल 60। तो यानी अगर मैं एक और इसमें अगला एक घंटा जोड़ लूं तो 6 भर गया, बिल्कुल सही। अगला एक घंटा जोड़ूं तो 6, यानी 40 आवर में 56 52 58। अब मैं इस 3 को ही ऐड करूंगा, लेकिन 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो आपको पता है काम में तो मैं लिखूंगा 2, लेकिन समय में लिखूंगा 2 चाहिए 3 में से। तो आंसर आ जाएगा 40 सही 2/3, मेरा घंटे लगेंगे, 40 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए भी अलग अलग किसी टैंक को 48 मिनट 36 मिनट में भरते हैं। भाई ए भरवा दो, ए 48 में, बी 36 में, ठीक है। हम दोनों को एलसीएम लेने जा रहे हैं, तो एलसीएम दोनों को कितना आएगा, जल्दी से जल्दी एलसीएम लो। हम इसका 6 से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 8 × 6 = 48, बचे कितने, 8 × 6 = 48 और 4 × 6 = 24 = 28, यानी 288 हमारा एलसीएम आया। तो ये 288 इसको कितने बार काटेगा, 6 बार, और इसको 8 बार काटेगा। दोनों भाई मेरे भर रहे हैं, और भी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, और कितने समय बाद नल ए को बंद कर दिया जाए ताकि 25 मिनट 30 सेकंड में मेरा भर जाए। भाई ए और बी को एक साथ खोला, कुछ समय बाद इसको बंद कर दिया, बी ओनली चला, यानी कहीं ना कहीं मुझे पता है बी फुल टाइम चल रहा है, यानी बी जो फुल टाइम चल रहा है वो 25 सही 1/2, यानी 25.5 को मैं 51/2 कर सकता हूँ, इतने मिनट तक चला। और इसकी क्षमता कितनी है, 8 है मेरी क्षमता, 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 4, और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 204, यानी 204 यूनिट अकेला बी भर रहा है, 204 यूनिट अकेला बी भर रहा है 288 में से, 204 यूनिट अकेला बी भर रहा है। तो हमारा कितना बचा, 84 यूनिट, और 84 यूनिट किसके हिस्से में आए, ए के हिस्से में, और ए की हमारी क्षमता कितनी, 6, तो इसको शायद मैं काटूंगा, 6 × 6 = 6 = 24 = 14, यानी 14 मिनट तक मेरा ए चला था, जब उसके बाद बंद किया गया था तब मेरा पूरा भरा था। नेक्स्ट, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जो मेरा फुल चल रहा है फुल, तो उसको मैं पहले देख लूंगा कितना भरा है उसने, तो यहाँ पे मेरा बी फुल चल रहा है। नेक्स्ट, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, 12, 15 और 20 ए 12, 15 और 20 में भर सकते हैं भाई, ठीक है। एलसीएम वही क्या, 60 60, यहाँ पर कितना आएगा, 5, 4 और यहाँ पर 3। अब ए नल पूरे समय के लिए खुला रहे, बी और सी एक एक घंटे के लिए बारी बारी से उसके साथ है, ठीक है भैया। पहले घंटे के लिए ए प्लस बी, दूसरे के लिए ए प्लस सी, एंड देन रिपीटिशन यही होगा। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है भाई, 9, ए प्लस सी की क्षमता कितनी, 8, तो 2 घंटे में 2 आवर्स में 17 यूनिट भर रहा है, लेकिन मेरा कितना भरना है, 60 यूनिट, तो क्यों ना मैं इसमें पहले 3 से गुणा कर लूँ, 17 + 51, 3 × 6 = 6 आवर में 51 भर गया, यानी अब मुझे 9 चाहिए और अगला एक घंटे में ए प्लस बी का चांस है और वो 9 ही भर रहे हैं, मुझे 9 चाहिए और अगले एक घंटे में, 7 घंटे में टोटल 60 यूनिट मेरा भर जाएगा। आंसर कितना आ गया, सॉरी 7। एक नल किसी टैंक को भरने में इसके एक रिसाव जो नल के अंतर्वाह के आधे के समतुल्य है 36 घंटे, यानी अंतर्वाह के आधे के समतुल्य, यानी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, एक नल भरने वाला है और बी खाली करने वाला है, यदि इसकी क्षमता 2 है तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 1, और इफिशियंसी का उल्टा क्या होता है, टाइम, अगर एक टाइम लेगा तो 2 टाइम लेगा, लेकिन इसने इन दोनों का अंतर जो दिया है मेरे हिसाब से 1 है, लेकिन इसने कहा 36, यानी ये इसको 36 घंटे में भरता है और इसको 72 घंटे में खाली करता है। भाई खाली करने वाला, ये प्लस वाला है माइनस वाला। अब इसने कहा नल का अंतर्वाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, तो भरने वाले का आंसर एक ही है यार, 36 आंसर बता दिया आपको, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरे जलाशय भरे, पूरे भरे हुए जलाशय को प्रतिदिन 15 दिन में खाली कर सकते हैं, यार MDH लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, यानी MDH 1/MDH 2,
देखो भाई, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 पंप, यानी 12 पंप काम करने वाले बताए थे, 6 घंटे प्रतिदिन काम के 15 दिन में एक काम को करते हैं, तो ऐसे कितने पंप, यानी ये वाले कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में उसको भर लेंगे। 12 से 12 शहीद हो गया। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 3 3 9 3 2 6, और 3 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, और 5 6 30, तो मेरे जो आएंगे एक्स जो माने हैं हमारे पंप, वो 30 पंप आएंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 25 मिनट में खाली कर सकता है, सॉरी 20 मिनट में भर रहा है और 25 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम 25 और 20 का 100, यहाँ पर मेरे 5 आने वाला है क्योंकि प्लस का भर रहा है, यहाँ पर माइनस का 4 आने वाला है क्योंकि खाली कर रहा है। ये बारी बारी से चलाए जाए तो टैंक कितनी देर में भरेगा, आपको पता था जब भी बारी बारी वाला क्वेश्चन आया, भरने वाली क्षमता को हमेशा माइनस कर लूंगा 5, तो 95 पे हम खेलेंगे। अब उसने बारी बारी से पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, अब इस प्रकार से मैं देखूंगा ये प्लस 5 कर रहा है या माइनस 4 कर रहा है, यानी 2 आवर में 1 यूनिट भरा जा रहा है। हमको 1 यूनिट का 95 यूनिट बनाना है, सीधा 95 से गुणा करेंगे और इसमें भी सीधे 95 से गुणा करेंगे हम, कितना आने वाला है 190 मिनट। 190 मिनट में तो ये आ गया, लेकिन हमें 95 ही भरना, हमें पूरा 100 भरना है, यानी आपको पता है अगले 1 मिनट में 5 यूनिट भरा जाएगा, यानी 100 हो गया, इसलिए मैं माइनस कर लेता हूँ, तो 191 यूनिट मेरा आंसर आएगा। कुछ लोग इसका आंसर 200 लोग लगाएंगे, 100 दिनी 200, लेकिन इसका आंसर करेक्ट क्या है, 191 है। नेक्स्ट, तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यहीं पर थी, यहीं तक मेरा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो दूसरे चैप्टर का होगा, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, शेयर करो, शेयर नहीं कर रहे आप लोग, जो लोग लाइक कर रहे हैं अच्छी बात है, जो डिसलाइक कर रहे हैं रीजन लिखें डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, क्या मैटर है क्या नहीं है, ताकि मैं देख सकूँ उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, ओके, थैंक यू दोस्तों।